हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनीषा कुकिंग किचन में। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं झटपट बटर पनीर की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अनियन ले रखा है, प्याज ले रखा है, इसको मैंने बारीक से अच्छे से चॉप करके ले लिया है। टमाटर ले रखा है मैंने यहाँ पर, इसको भी मैंने अच्छे से बारीक से काट लिया है। पुदीना ले रखा है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, और साइड में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रखा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का पनीर दे रखा है 500 ग्राम्स का। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाएगी, हम इसके अंदर एक बड़ी बटर का टुकड़ा डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जब सारा जो बटर है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। करीब 1 टीस्पून मैं इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ अनियन डाल दूँगी, यानी कि प्याज। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्याज का रंग है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर पे हो चुका है। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है, हम साइड में पनीर को भी फ्राई करके ले लेते हैं। तो पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे, तो पैन में यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया। बटर जैसे ही मेल्ट जाएगा तो हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे। पनीर को अच्छे से काट लेंगे यहाँ पे। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे मैं एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को यहाँ पे। तो प्याज में यहाँ पर मैं हल्दी डाल देती हूँ। यहाँ पे अब मैं एक बड़ी चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। ध्यान रखिए कि पनीर में भी हमने लाल मिर्च पाउडर डाल रखा है, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार ही डाल लें इसको। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर गरम पानी डाल देंगे। आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। गरम पानी डालने से पनीर जो है वो जल्दी पक जाता है, इसलिए हम गरम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो सब्जी यहाँ पे हमारे अच्छे से पक गई है। अब हम इसके अंदर पनीर डाल देते हैं। साइड में यहाँ पे पनीर भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर आलू भी डाल सकते हो। तो अब हम इसके अंदर पुदीना डाल देंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका ऊपर का टेक्सचर आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा बटर पनीर की सब्जी बनके रेडी हो गया है। गैस को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चंद मिनटों में बनके रेडी हो गया है हमारा बटर पनीर की सब्जी। काफ़ी टेस्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरे को तो इसको देख के मुंह में पानी आ गया है, क्योंकि इतना टेस्टी बना है ये, इतना टेस्टी बना है। आप चाहे तो इसको घर पे कभी भी बना सकते हो। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने के लिए, और काफ़ी टेस्टी भी बनता है ये। और आप थोड़ा इसको ऊपर का टेक्सचर देखो, कितना टेस्टी लग रहा है ये।
जब भी आपके घर में अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप इसको बना के खिला सकते हो, काफ़ी टेस्टी बनेगा ये और उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं करो सी न्यू और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ में। मेरे को तो ये देखिए मुँह में पानी आ रहा है, मैं तो खा लेती हूँ, पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय गाइज़।